नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बात लगातार यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों की कर रहे हैं और इस वीडियो में बात करेंगे मऊ विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था कि मऊ विधानसभा क्षेत्र से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मैदान में हैं, और तब ये भी कहा था कि मऊ विधानसभा जो सीट है वो, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुख्तार अंसारी की रिजर्व सीट है। मतलब ये है कि मुख्तार अंसारी यहां से जैसे चाहे जब चाहे चुनाव जीत सकते हैं और जीतते आए हैं, और ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती है, ये अब साबित हो चुका है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे अब्बास अंसारी पीछे चल रहे थे, पिछड़ रहे थे, लेकिन अब मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का दबदबा बढ़ने लगा है। आंकड़े जो बता रहे हैं वो आंकड़े ये कहते हैं कि सबसे आगे मऊ विधानसभा क्षेत्र में अब्बास अंसारी 29,152 वोट पा चुके हैं अब तक। तो वहीं दूसरे नंबर की हम बात करें तो अशोक कुमार सिंह है भारतीय जनता पार्टी से 26,610 वोट के साथ। तीसरे नंबर पर बीएसपी यहां पर आ रही है, और बीएसपी के भीम जो हैं इन्हें मिले हैं 11,549 वोट। और टोटल मार्जिन की हम बात कर लेते हैं, जो अंतर है वोटों का, बहुजन समाज पार्टी की बात अगर छोड़ दी जाए, सिर्फ हम बात करें समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, तो यहां पर अब्बास अंसारी ने 2,542 वोटों का जो है मार्जिन बढ़ाया हुआ है, बढ़त बनाई हुई है। और ये बढ़त जो है, इनको कहा जा रहा है कि ये बढ़त और भी बढ़ने वाली है, और ये होगा कि उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। देखिए, अभी सिर्फ आंकड़ा बता रहे हैं, शाम तक पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जो नतीजे आए हैं वो किसके पक्ष में आए हैं। लेकिन यह तो तय हो गया है कि अब यूपी में एक बार फिर से बीजेपी ही आ रही है, क्योंकि जो सीटों का मार्जिन है आप देख रहे हैं कि लगातार दोगुने से ज्यादा का अंतर है साइकिल में और कमल में। लड़ाई जो है दो ही लोगों के बीच में है, दो ही पार्टियों के बीच में है उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम अगर मऊ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो शुरुआत में जो रुझान हमारे पास आ रहे थे, जो सामने निकल कर आ रहे थे, उसके अनुसार अब्बास अंसारी पीछे हो रहे थे। लेकिन अभी अभी की जो खबर है, बड़ी खबर निकल कर आई है मऊ विधानसभा सीट से कि यहां पर एक बार फिर से अब्बास अंसारी ने बढ़त बना ली है। मुख्तार अंसारी का कितना दबदबा है, कितना चलता है वहां पर, वो इस बार दिख रहा है। मुख्तार अंसारी हालांकि अभी जेल में हैं, लेकिन उनके बेटे जो हैं चुनावी मैदान में हैं, और ये फायदा यहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है मुख्तार अंसारी के बेटे को कि जो भी दबदबा कायम किया हुआ था उनके पिता के द्वारा, वो वोट बैंक में तब्दील हो रहा है। पहले तो कम था, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए वैसे वैसे वोट का मार्जिन बढ़ता गया, और अभी का जो आंकड़ा है 2,542 वोटों से आगे चल रहे हैं अब्बास अंसारी मऊ में। भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह को पीछे छोड़ा है। अशोक कुमार सिंह 26,600 कुछ वोटों के साथ हैं, तो वहीं पर अब्बास अंसारी 29,152 वोट। अब मार्जिन आप खुद समझ लीजिए, 2,500 से ज्यादा का मार्जिन है, हालांकि 2,542 हम बता भी रहे हैं। लेकिन यूपी में बड़ा दिलचस्प मुकाबला सुबह से ही चल रहा है, कई सीटों पर जहां बीजेपी का दबदबा है, कई सीटों पर सपा का दबदबा है। पहले के रुझान कुछ और आते हैं, उसके अगले घंटे कुछ और आने लगते हैं, तो ये चुनाव है और चुनाव में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन नतीजा शाम को आएगा, इंतजार कीजिए और ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट अब जुड़ पाती है बीजेपी के खाते में, क्योंकि बढ़त तो पहले से ही बनाया हुआ है, अब सरकार भी बनने का लगभग तय हो गया है, अब कितनी सीटें और बीजेपी जुटा पाती है, ये इंतजार का विषय होगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।